वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राजकुमार, आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है कंपटीशन के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम शामिल करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अक्सर आप परीक्षा में जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, आप हल करके भी आते हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं होते। उसका रीज़न क्या होता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, सवाल आपको आते रहते हैं, आप हल कर करके गोला भर के टिक करके आते हो, लेकिन फिर भी नहीं होता है। तो रीज़न क्या है? टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इस सवालों के जरिए आप सीखेंगे। सवालों को 10 से 15 सेकंड में आप देखते ही उसका उत्तर क्लिक कर ले माइंड में, ये तरीका आपको सीखना होता है। हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, 5-10 मिनट भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सवालों को किया जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दो कारों ए तथा बी जिनकी चालों का अनुपात यानी कि उनकी स्पीड में जो रेशियो है वो दिया है, यानी कि दो कारों के स्पीड का रेशियो दिया है 2 और 5। एक निश्चित दूरी मतलब असर्टेन डिस्टेंस तय करती हैं ये दोनों कारें। जैसे दोनों 50 किलोमीटर जा रही हैं तो ए भी 50 जाएगी, बी भी 50 ही जाएगी, दोनों एक समान दूरी जाएंगी, मतलब उनमें अनुपात 2:5 का है और ये एक समान दूरी तय करती हैं। यदि ए दूरी को तय करने में 30 सेकंड का समय लेती है, मतलब ए है जो वो दूरी को तय करती है तो 30 सेकंड का समय लेती है, लेकिन उतनी ही दूरी जितना ए तय कर रही है बी कितना समय में तय करेगी ये बताना है। उनके चालों का अनुपात 2 और 5 है, ध्यान से देखिएगा। तो जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए, आवाज़ थोड़ा कम होगी तो कंप्रोमाइज करिएगा, ठीक ना। तो चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगा के समझते जाना है। तो चलो भाई लिख लेते हैं। उस दिन हमने आपको बताया था कि जो चालों का अनुपात होता है वो उनके समय के अनुपात का उल्टा होता है, या समय का अनुपात चाल के अनुपात की जस्ट उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो ए और बी में जो अनुपात दिया है वो 2:5 का दिया है, और ये किसका अनुपात है, ये स्पीड का अनुपात है, मतलब यस हमने लिख दिया स्पीड का अनुपात कितना है, 2:5 है। तो स्पीड का अनुपात 2:5 है, तो टी मीन्स टाइम, इनमें टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, आप जानते हो ना टाइम का अनुपात जस्ट स्पीड के उल्टा होता है। तो टाइम का अनुपात कितना हो गया, 5 और 2 हो गया, 5 और 2 हो गया। याद रखिएगा, अगर आपने पहला भाग देखा तो समझ जाएंगे कैसे 5-2 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, कह रहा कि जो ए है वो दूरी को तय करने में 30 सेकंड का समय लेता है, मतलब जो ये 5 रेशियो वाला है, ये 5 रेशियो ये कितना टाइम लेता है, 5 रेशियो इक्वल ये 30 सेकंड नहीं, यहां पर मिनट आप लिख दीजिए, सेकंड में तो दूरी तय ही नहीं होगी, ठीक ना, मिनट, ठीक है, मिनट या सेकंड जो भी चाहे आप जो भी लिख लीजिए, चाहे मिनट चाहे सेकंड, तो मिनट ही कर लीजिए। बराबर क्या हो गया ये 30 मिनट, तो 5 रेशियो में 30 मिनट, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 30/5 यानी कि 6 मिनट। मतलब अब आप समझ गए होंगे, 1 रेशियो बराबर 6 मिनट, तो ये किसका है, ये ए का है, हमें निकालना बी का है। तो 1 रेशियो में 6 मिनट, तो बी का निकालना, बी जो है वो 2 रेशियो है, इसलिए 2 रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 6 इक्वल 12 मिनट, आ गया ना आंसर, 12 मिनट आ गया ना। देखिए यहाँ पर सेकंड जहां लिखा गया है आप मतलब समझिएगा सवाल का, ऑप्शन में सेकंड दिया रहेगा तो सेकंड में आएगा, मिनट दिया रहेगा तो मिनट में आएगा, ऑप्शन वही हो जाएगा, ये आप ऑप्शन में सब हर जगह मिनट कर लीजिए, ठीक है। तो 12 आ गया आपका, चाहे मिनट दिया है चाहे सेकंड दिया है इससे कोई मतलब नहीं है, आप सवाल का मतलब समझिएगा, समझ गए ना। तो बस कितना आसानी से आपने इसको कर लिया, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं तुरंत फट से। क्लास छोटी होगी लेकिन बहुत ही चीजें इसमें शामिल होंगी। देखिए मित्रों, आपका अगला सवाल आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है ये, बहुत छोटा है, बस आपको समझना है। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए, मतलब एक समान दूरी है, ए और बी दो बंदे हैं जो जा रहे हैं उस दूरी पर, कोई भी है, मोहन, सोहन, रश्मि, वरुण, कोई भी, ठीक। तो ए तथा बी की गतियों का जो अनुपात है यानी कि उनकी स्पीड में जो रेशियो है वो दिया है, कितना दिया है, उनकी स्पीड का रेशियो 3:4 दिया है। तो आप इसको लिख लो फटाफट, इनके स्पीड में रेशियो जो दिया है वो क्या है, 3 और 4 है, ठीक है, समझ में आया ना, मतलब ये स्पीड का रेशियो है, इसे हम यस से डिनोट कर रहे हैं, स्पीड का रेशियो 3:4 है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, एक गंतव्य तक
गंतव्य मतलब टारगेट तक जहां इनको जाना है पहुंचने में 20 से 30 मिनट का ज़्यादा समय लेता है, तो फिर बताओ ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा। मतलब ये तो कहा है सवाल में कि वो 20 से 30 मिनट ज़्यादा लेता है, लेकिन कितना समय लेता है कुल, ये आपको निकालना है। देखिए कैसे चंद सेकंडों में आपको इसको निकाल करके हम दिखाएंगे। समझाने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो बहुत जल्दी कर जाओगे। तो जाहिर सी बात है इसमें जो अनुपात दिया है आपने उसको लिख लिया, तो अब आप टाइम का अनुपात निकाल लो फटाफट। जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा टाइम का अनुपात। तो ये ए इंटू बी जो स्पीड का अनुपात है उसी का एकदम अपोजिट होता है समय का अनुपात। अगर आपने पहला भाग देखा तो आप समझ जाओगे। तो ये हो गया समय का अनुपात। अब कह रहा है कि वो 30 मिनट ज्यादा समय लेता है, चूंकि ए 30 मिनट अधिक का समय लेता है, अतः समय का अनुपात क्या हो जाएगा। चूंकि ए 30 मिनट अधिक का समय लेता है, इसलिए समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जो 4:3 है ना, आप इसको घटा लोगे, इक्वल क्या आ जाएगा, 1:1 कितना आ गया, 1। हमने क्यों घटाया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए का निकालना है, उसमें से 3 वाला घटा के निकाल देना है। तो भाई सिंपल सी बात है, 1:1 इक्वल कितना, 30 मिनट, यानी कि 1:1 इक्वल 30 मिनट। तो इसे आप लिख सकते हो 1:1 इक्वल 30 मिनट अपान 60। 60 क्यों लिखा, घंटे में बदलने के लिए, क्योंकि जो ऑप्शन है वो घंटे में दिया है और ये मिनट में था। अब इसे आप क्या कर लोगे, 1/2 घंटे आ गया। 1:1 में 1/2 घंटा, और ए का रेशियो कितना था, ए का रेशियो 4 था, बी का रेशियो 3 था। तो ए का निकालना है तो आप यहां निकाल सकते हो 4:1 इक्वल 1/2 गुणा 4 इक्वल क्या आ जाएगा, 2 घंटे। कितनी जल्दी ये सवाल का उत्तर आ चुका है, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो बहुत जल्दी कर ले जाओगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच कमेंट करिए, बिल्कुल कमेंट करिए, आपका पूरा अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, अगला सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है, उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, आपने दो सवाल देख लिए, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया PVR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज PVR स्टडी को लाइक करके फॉलो करिएगा। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी के ऑफिशियल चैनल PVR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा, जहां भी देख रहे हैं। और हाँ, अगर एक प्लेटफॉर्म पर हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी कॉन्टेक्ट करिएगा। आगे चलते हैं, अगर आप डेली क्लास चाहते हैं तो आप क्लास को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए अभी आपको नंबर दिखा दिया जाएगा, ऊपर दिख रहा है। पी तथा क्यू दो हैं, पी और क्यू। देखिए सवाल में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। उसमें आपको क्या निकालना था, समय निकालना था, दोनों सवाल में दोनों अलग अलग तरह के थे। तीसरा सवाल है, इसमें आपको दूरी निकालना है, ये मत सोचिएगा वही है। दो बंदे हैं पी तथा क्यू, एक नियत दूरी मतलब एक निश्चित दूरी, एक सर्टेन डिस्टेंस, एक नियत स्थान से मतलब एक सर्टेन प्लेस से, एक ही समय पर उसी समय पर दोनों लोग एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, जिसमें पी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे और क्यू की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये दोनों की स्पीड है, एक की 40 है, एक की 50 है। अब होता क्या है, ए जो है वो दूरी को तय करने में 20 से 15 मिनट का ज़्यादा समय लेता है। क्या करता है, ए दूरी को तय करने में 20 से 15 मिनट ज़्यादा लेता है। पिछली क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही देखा था, लेकिन वो सवाल अलग था, उसमें कहा था कि बी कितना समय लेगा, फिर ए कितना समय लेगा। इसमें कह रहा है तो फिर बताइए कि कुल दूरी कितनी है। तो भाई करना क्या है, सिंपल सी बात है, पहले तो आप वहाँ तक चलो, कहाँ तक, जहाँ तक आप लोग क्या निकाल रहे थे, समय निकाल रहे थे कि ए जो है वो कितना समय लेगा, पहले उसको निकाल लो, उसके बाद दूरी खुद ही आ जाएगी। तो देखिए दिया क्या है, स्पीड में अनुपात दिया है, स्पीड में रेशियो का दिया है, हाँ रेशियो तो नहीं दिया ना, रेशियो आप बनाओगे कैसे, पी और क्यू है, पी और क्यू है, इनके चालों का अनुपात दिया है 40 और 50। अनुपात नहीं दिया तो अनुपात तो आप बना सकते हो ना, कह रहा कि ये 40 की स्पीड में है तथा ये 50 की स्पीड में है, यानी 40-50 का ये रेशियो बन गया, इसको आपने कट कर दिया, तो यानी कि जो चाल का अनुपात आया वो 4:5 का आ गया। ये किसका आया, चाल का अनुपात आ गया।
आप जानते हो कि समय का अनुपात जो है वो चाल के अनुपात का जस्ट अपोजिट होता है, उसका विलोम होता है। तो ये जो समय का अनुपात हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और 4। निकालना किसका है, किस पर बेस है? कह रहा कि ए दूरी को तय करने में 20 से 15 मिनट का ज्यादा समय लेता है, तो आप टारगेट करोगे ए को। तो ए को कैसे करोगे? आप 5 में से पहले 4 को निकाल दीजिए, इक्वल कितना आएगा? 1:1। हमने क्यों निकाला, क्यों घटाया? क्योंकि हमें निकालना किसका है? पहले वाले का, मतलब पी का, ठीक ना? किसका निकालना है? पी का। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक क्या है कि यहाँ पे पी रहेगा, यहाँ पे क्यू रहेगा। आप लोग काफी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पी क्यू भी है और ए बी भी है, ऐसा क्यों ना? हाँ, तो ये सवाल अब सही है, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइएगा। तो हमें किसका निकालना? पी का निकालना है। तो इसमें क्यू भी शामिल है, 4 है, तो उसको घटा के निकाल देंगे। तो 1:1 बराबर क्या हो रहा था? 15 मिनट का देरी हो रहा था, मतलब वो 15 मिनट का समय ले रहा था। तो 1:15 मिनट, तो आप क्या करोगे? आप आगे क्या करोगे? इसको घंटे में बदल दो। तो 1:15/60 से भाग के घंटे में बदल दोगे तो 1/4 क्या आ गया? घंटे आ गया। मतलब कि जो पी है वो उस दूरी को तय करने में 1/4 घंटे का समय लेगा। ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या आ गया? टाइम आ गया 1/4 घंटे, और इसकी स्पीड आपको मालूम है 40 किलोमीटर। तो दूरी नहीं निकाल लोगे, लगा दो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय का फार्मूला लगा दो। ये देखिए, चाल मतलब स्पीड बराबर दूरी बटा समय। निकालना क्या है हमें? निकालना है फाइनल में टाइम। तो यहां से आप टाइम बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? टी इक्वल हो जाएगा डी, है ना, मतलब डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, डी मतलब निकालना है ना। तो डी इक्वल हो जाएगा यस इंटू टी। तो आगे कर लो भाई, यस मतलब स्पीड, स्पीड है 40, टी मतलब है टाइम, 1/4, इसको काट दो। तो काट दोगे तो क्या आएगा? 10 आ गया। लेकिन इसमें अभी आपको थोड़ा सा और करना होगा, वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो आपकी आ गई 1:1 की दूरी, 1:1 की दूरी कितना आ गई? 10 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, अभी ये उत्तर नहीं है, ये किसकी है? 1:1 के लिए दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, लेकिन आपका जो पी था उसका रेशियो कितना था? उसका रेशियो 5 था। ये देखो ना, 5:1 था, कितना था? 5 था। तो आप नीचे निकाल सकते हो कहीं भी लिख करके, क्योंकि आपको इसको लिख के दिखाना तो है नहीं, कंपटीशन में आंसर मालूम करके टिक कर देना है बस। तो आप निकाल लोगे 5:5×10=50 किलोमीटर। समझ में आया ना, कितना आसान था? अगर इसको आप यहाँ पे नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है, तो आप जहाँ पर 1:1/4 निकाल लिया था ना, यहाँ पर भी आप कर सकते थे 5:5/4 घंटे हो जाता टाइम। तो बाद में जब गुणा करते 40 से तो आ जाता है, वहीं डायरेक्ट आ जाता, चाहे तो आप ऐसे कर लो, है ना आसान। कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के बारे में, आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, बिना कमेंट किए मत जाइएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जो आपका ट्रिकी मैथ का टाइम होगा वो रात में 8:30 बजे से होता है, जो कि इस समय केवल 3 दिन आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, लेकिन ये जल्दी ही सभी दिन होने लगेगी, ठीक ना। तो जो लोग रेगुलर क्लास को देखना चाहते हैं, पहले तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, और जो लोग क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं, जिम्मेदारी के साथ पढ़ना चाहते हैं, वो लोग क्लास को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना होगा क्या? ज्वाइन। कॉम्पिटिशन लेवल की आपको मैथ करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे SSC लेवल। ज्वाइन SSC लेवल मतलब उसके अंतर्गत आपका RRB भी आ जाएगा, SSC भी आ जाएगा, और जो भी वनडे एग्जाम है लगभग सभी की कंपटीशन की गणित आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें कि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं, उसके लिए आपको फेसबुक पर सर्च करना होगा PVR स्टडी, और जो पेज आएगा उस पर PVR स्टडी का लोगो लगा होगा, उसको लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो YouTube पर PVR स्टडी सर्च करना ना भूलें। PVR स्टडी सर्च करके PVR स्टडी ग्रुप, PVR स्टडी इलाहाबाद, मैथ आसान है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास और एक नई उम्मीद के साथ। थैंक यू।